परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज युवा उत्सव 3.0 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा चाहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उत्सव के दौरान अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। CII और यंग इंडियंस की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। प्रदेश के लिए हमारा लक्ष्य 2028 तक GSDP को 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना है। मुझे लगता है आज इस मंच के माध्यम से नए उद्यम और अवसरों पर जो चर्चा होगी उससे छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने में यह आयोजन काफी उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। श्री साय ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं।